तुर्की के शहर गाजियाटेप में एक हफ्ते पहले आए शक्तिशाली भूकंप से ट्रेन के 6 डिब्बे पलट गए थे, जिन्हें सोमवार को भारी मशीनरी द्वारा उठा लिया गया है और वापस पटरियों पर रख दिया गया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से तबाही के बीच माहौल पूरी तरह से गमगीन है। मलबे के ढेर और उसमें दबे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। विनाशकारी भूकंप में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और हजारों घर जमींजोद हो गए हैं। भीषण आपदा में तबाही से लाखों की संख्या में लोगों के बेघर होने की आशंका जताई गई है। तुर्की और सीरिया में आए भयंकर भूकंप ने सबसे अधिक प्रभावित हुए तुर्की के मारस में राहत अभियान के दौरान चमत्कार भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि यहां मलबे में बदली एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से 5 दिन से दबे 3 में से 2 बच्चों को जीवित बाहर निकाला गया है। बता दें कि धराशी हुई इमारतों में से शवों के बरामद होने का सिलसिला जारी है। हजारों इमारतों के मलबे में बचे लोगों को ढूंढने के लिए बचावकर्मी काम में लगे हुए हैं।